नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रमणम आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार करने वाले साथियों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। उपेन यादव ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है कि वित्त विभाग में शिक्षा विभाग की नई भर्तियों की लगभग 300 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दी है, जिसमें बात करें 2000 पद है वो स्कूल व्याख्याता के और सेकेंड ग्रेड के 1000 पद है, और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की बात करें तो 500 पद और सेकेंड ग्रेड के 300 पद। और उसके बाद में माननीय निदेशक जी ने 21 अगस्त को शिक्षा स्कूल में कहा था कि वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की सूचना वापस मांगी जा रही है, और जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक सहित अन्य और भर्तियों का भी विवरण होगा। और राज्य सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग की भर्तियों की पदों की संख्या में बढ़ाई जाए, और कंप्यूटर अनुदेशक फोर्थ कर्मचारियों की भर्ती की वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी को लेकर शिक्षा विभाग के सभी भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो एक और आने की संभावना जताई जा रही है, और संस्कृत डिपार्टमेंट में भी इसकी वैकेंसी को लेकर के बात चल रही है, और आप सभी को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।